सामने आना, हाथ लगाते हैं, गुस्सा हो जाती है। चलो माशाल्लाह, सुबह सुबह देखें सोबिया ने फ्रूट खाने शुरू कर दिए हैं। आज इधर दही तो नहीं थी। हाँ दही नहीं थी, भूख लग रही थी तो मैंने सोचा फ्रूट खा लूं। अच्छा हाँ जी, ये देखें जी, एक सेब बचा है कल से लेके आया हूँ। ये भी वो हो गया है, फ्रिज में रखा था ना, फ्रिज में नहीं रखे थे। तो ये आलू भी अभी तक आपने खत्म नहीं किया, आलू बुखारे ये खाए हैं कितने? अभी एक खाए है माशाल्लाह से, सेब खा रही हूँ। सेब अब पेट भर गया, जब ये खत्म हो जाएंगे पेट जब कुछ हल्का हो जाएगा फिर ये आलू बुखारे खा लूंगी। ये देखे ना, ये नजर आ रहे हैं खून की तरह लाल लाल। एक मैंने खाया वो खट्टे थे, ये खाने चाहिए आपको। हाँ एक खाया है वो खट्टे थे। सभी आपने खत्म करने हैं आज, आज और ले आऊंगा ठीक हाँ, है ये आज खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन ना ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हमारे घर में भी सब ठीक हैं माशाल्लाह से। अभी खा रही हूँ फ्रूट, जिस बहन भाई ने फ्रूट खाने हैं वो आ जाए, क्योंकि मुझे तो बताया गया है कि आपने ना निहार में फ्रूट खाने हैं, दही खानी है और बहुत सारी चीज़ें खानी है। तो इसीलिए जैसे मरीज को ना दवाई खानी पड़ती है, मुझे भी बार बार यही खाना पड़ता है तो ये अभी मैं खा रही हूँ। तो अभी हमारा सुबह का व्लॉग हो गया शुरू, तो रहना हमारे साथ है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ जी, और मैं बताता चलूँ, कल सुबह की तबीयत बेहतर रही है पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो शाम को जब खाना खाते वक्त फिर सुबह की तबीयत वैसे ख़राब हुई, दौरा पड़ा है, लेकिन तकरीबन आधा घंटा। आपको तो पता होगा या नहीं पता, सर में दर्द तो था ना? वो मैंने आपको बताया था, मेरे सर में दर्द हो रहा है जिस मेरा सुन हो गया, तब मैं सोई, मुझे पता नहीं उसके बाद। आपको कुछ नहीं पता? वो वही मसला हुआ था जैसे कि आप सबने पहले देखा है। तो सोई रही सोई रही सोई रही, गले में से तावीज़ उतारने लगी थी लेकिन हमने नहीं उतारने दिया। बाद में जब ठीक होगी तो फिर सोई रही, लेकिन बारिश का भी मौसम ख़राब था, जैसे बारिश आ रही थी तो अंदर सोए थे पहले उस गैलरी में, वहाँ से फिर बाहर निकल आए, फिर बारिश आई तो नहीं। नहीं जब लाइट चली गई थी तो इतनी गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपको बोला था कि जाओ देख के, अब बारिश नहीं है तो हम चारपाई बाहर निकाल के सो जाते हैं। हाँ। फिर देखा कि बारिश नहीं थी तो सो गए। चलो आप ये फ्रूट खाओ ठीक है। हाँ जी, अभी मैंने सेब खा लिए हैं, पेट भर गया है, बस थोड़ी देर करके ना जब ये हजम हो जाएंगे फिर ये आलू बुखारे खाऊंगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह इधर भी चाय पापे। जिस घर में जाएं चाय पापे सुबह सुबह नाश्ते के लिए, इधर भी चाय पापे हैं। हाँ रूटीन बनी हुई है हर किसी के घर के अपने अपने। आवाज़ क्यों कम हो गई? फिर से तो तबीयत नहीं खराब हो रही? सार में दर्द है। सार में दर्द है, अच्छा अल्लाह खैर करेगा। तो चाय पापे खा लें, जिस बहन भाई ने खाना है वो भी आ जाए। माशाल्लाह सारी जो है पार्टियाँ यहाँ पर खा रही हैं, वो देखें फिजा बस खा रहे हैं। नानी आपने नहीं खाए? मैं नाश्ता कर लिया। कर लिया नाश्ता? वाह जी वाह, बच्चा को कर लिया, इन्हें को खवा लिया, वाला मैं आप ही खा दिया। हाँ जी, अलिशबा पिशो क्या कर रही हो? बिलोरी खेल रही हो? इधर आओ, चाय पापे खा लिए? अच्छा अब रज गई हो? तो ठीक है अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद भी शेयर करेंगे। अलीजा ठीक हो? हैं अलीजी क्या चाहिए दी? ये क्या है डब्बा चाहिए दी? क्या पैसे हैं? चीनी पैसे हैं? अच्छा खीर पीसे वाला चीनी सटते? दूध पींदी रानी? अच्छा चीर पींदी रानी, चीर चीर पींदी रानी,
सुनाए तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट कर लिया नाश्ता। हाँ जी कर लिया माशाल्लाह। आपने कर लिया? हाँ जी नाश्ता कर लिया है। सोबिया की तबीयत ठीक नहीं है तो कहने आया था कि चार पहिए भी अंदर डालें और पंखा भी चला दें उधर बैठक में, फिर उसको ले चलते हैं उधर सुलाते हैं। चारपाई तो पड़ी है अंदर, पड़ी है पंखा चला लेते हैं। हाँ हाँ पंखा चला के फिर उसको ले जाएंगे, क्योंकि अभी वो जिस्म वगैरह उसका सोनू हुआ पड़ा है, उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। सर में भी बहुत दर्द है, रात को भी जैसे आपने देखा था तबीयत खराब थी। तो वहाँ सोएगी फिर अपनी मर्जी से जब उठेगी ठीक होगी। पंखा चला देता हूँ मैं। हाँ जी ले आए सुलाते हैं। ये देखें सोई हुई है सोबिया। सोबिया उठो अंदर चलें, उठो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी की हालत कैसी हुई पड़ी है। सुबह सुबह अभी चाय पापे ही खाए हैं, अभी अभी हमारी एक अम्मी जान है इस्लामाबाद से, उसने बात भी की है, तो बात करने के बाद चाय पापे खाए, उसके बाद सोबिया की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। तो आज इंशाल्लाह इसको ले जाऊंगा कहीं, बात करता हूं मुखलिस वालों से किसी अच्छे से डॉक्टर के पास। ये देखें हाथ भी अकड़ चुके हैं, जब भी ऐसे हालत होती है तो हाथ वगैरह भी अकड़ जाते हैं सोबिया के। अली शबा चुप चुप वो देखो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। दो महीने हो गए हैं ऐसे हो रही है, कोई इलाज इलाज तक करवाए क्यों अल्लाह चंगाई करे। हाँ डॉक्टर्स बताते हैं खून की कमी होने की वजह से ऐसे है। तो अभी अभी मैंने बोला था चार पे डालें, लेकिन उससे पहले ही तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गई है, अब तो यहाँ से नहीं उठेगी। पंखा लगा दिया है, चार है अंदर डाली है तो पंखा लगाते हैं, लेकिन अब आपके सामने है ना हाथ लगाते हैं गुस्सा हो जाती है। अब इसको इधर ही सोने दे, पंखा भी चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगी अगर ज़्यादा बोलेंगे जब। हाँ अभी जी सोबिया को दबा रहे हैं, ये देखें बेहोश में आ चुकी है, इसको सर भी दबा रहे हैं क्योंकि सर में बहुत दर्द है, और जो एरिया पाँव दबा रही है टांगे दबा रही है, माशाल्लाह खिदमत कर रही है सोबिया की। हाँ सोबिया पानी ले आए हैं, पानी नहीं पीती, पानी पी लो, गला घुटा हुआ है, सर में दर्द है, तो उसी टाइम से जो सोई हुई है, अभी उठी भी नहीं है।
सर में कहती है बहुत दर्द होता है, पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है, बिल्कुल भी कल जैसे थी आज वैसे नहीं है। मतलब इंशाल्लाह दुआ करें ठीक हो जाए। सुबह उठ के आ चुकी है उधर से, अब मैंने कहा है कि अंदर आके सो जाओ तो इधर सोएगी अभी। हाँ कैसी तबीयत है, हैं कैसी तबीयत है? सोबिया नहीं है ठीक? तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अल्ताफ भाई से बात की है, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे हम, तो इंशाल्लाह दवाई लेंगे सुबह की। ठीक है परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, परेशान नहीं होना, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाओगी। नहीं लेनी? अभी सो जाओ ठीक है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ, अब उठोगी फिर दवाई लेने चलेंगे। नहीं जाना? क्यों? डॉक्टर क्या कहते हैं? भोपाल मेरी तबीयत ठीक रहती है, जो है इलाज हो गया, जो डॉक्टर बैठ गए लाए गए हैं और अलग से निकल दे अलग से दोस्त हो गए। वाह वाह दुआ कर दिया। हाँ जी। अच्छा अगर लाइट कर ले वैसो वो मशीन लैसी निकल जाऊंगे सी बोला दुआ कर अल्लाह से देवे। अल्लाह से बच्चा दे सोबिया को। आमीन देगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक। अच्छा आपकी तबीयत कैसी है? ठीक। खुश हो? अच्छा अल्ताफ अली क्या कहता है? अच्छा ये बाल क्यों कटवा दिए? गर्मी हो जाती है। बाल नहीं कटवाते गर्मी में? गर्मी में बहुत बाल बड़े हो जाएंगे। अच्छा अच्छा चलो मैं सोबिया से बात कर लूँ ठीक है। चुप रहो आप। सोबिया इधर सोई हुई है अभी भी, अभी पूछता हूँ रोटी पानी का भी, क्योंकि उस टाइम भी पंखा चला के अंदर सुला दिया था। सोबिया अब बताओ कैसी तबीयत है? कह नहीं ठीक? क्या हुआ है? अच्छा सर में दर्द है। अच्छा वो रोटी खाओ उठो ठीक है, रोटी खा लो, मैंने नाश्ता कर लिया है, बस आप सोई हुई थी तो मैंने आपको नहीं जगाया, अभी उठो और नाश्ता ले आते हैं, नाश्ता करो। ये देखें जी चटनी और ये नान, सोबिया कर रही है नाश्ता चटनी के साथ, चटनी के साथ नाश्ता कर रही हो, अच्छी लगती है जी। मैंने नाश्ता कर लिया है, आप कर लो ठीक है जी। नान अच्छे लगते हैं? चलो सही है। तो सोबिया जो है उठ चुकी है, पहले सो गई थी, बिल्कुल ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी कुछ बेहतर हुई है और हम जा रहे हैं, लाइनें क्रॉस कर ली हैं, ये लाइनें क्रॉस करके उधर बैठते हैं, क्योंकि सोबिया ने कहा मुझसे चला नहीं जाता,
तो इसलिए मैंने कहा ऐसे रास्ते से चलते हैं, लाइन क्रॉस करते हैं, आगे किसी को कॉल करेंगे, बाइक पर ले जाएंगे। तो अभी अभी कॉल की है मुखलिस साहब को, उनको बोला है कि कोई बाइक भेजें और मैं सोबिया को लेके आ रहा हूँ तो इधर से ले जाएं। तो अभी ले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा चल रही है सोबिया, ये देखो। बांदी सोबिया कहती है मैं इधर ही बैठ रही हूँ, ये देखो बैठ चुकी है, क्योंकि तबीयत सही ना होने की वजह से चल भी नहीं पा रही। अभी बाइक आएगी तो उस पर बैठ कर घर पहुँच जाएंगे, फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे जहाँ हमने जाना है, दवाई वगैरह लेना है। दुआ करना कि वो ठीक हो जाए। ठीक है सोबिया, आ जाती है बाइक, ठीक है, परेशान नहीं होना, सही है। ऊपर देखो, ये देखे लाइनों के करीब ही खड़े हुए हैं, नंबरदार भी इधर गया हुआ है चौक पर, नंबरदार इधर से, क्योंकि चौक करीब हो जाता है मेल चौक, तो पैदल गया हुआ है, तो इधर से मोटरसाइकिल जो है क्रॉस भी नहीं होता। उधर से वो अब्बास भाई का मोटरसाइकिल लेके, बाइक लेके मैं इधर लाइनों तक आया हूँ, फिर इधर से उसके बच्चे वापस ले गए, क्योंकि इधर से क्रॉस करने का रास्ता नहीं है, कोई फाटक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी इस तरफ जो है मुखलिस को कॉल की, तो वो मुंशी को भेज रहे हैं, मुंशी आ रहा है, फिर हमें लेकर चला जाएगा। सुबह उठकर चलती फिरती रहो, चलो फिरोगी कुछ टांगे सही होंगी, ऐसे बैठे रहने से क्या होता है। अभी मुंशी आ रहा है, मुंशी फिर हमें ले जाएगा। तो ये देखें मुंशी आ चुका है हमें लेने, उठो अब आ गया है, हाथ दो, आ जाओ। चलो आ जाओ इधर बैठो। अब पहुंच गए हैं मुखलिस साहब के घर, और परेशान बैठे थे, मेरा इंतज़ार भी कर रहे थे, मुश्किल से सोबिया को लेके आया हूँ, जैसा कि आपने देखा था, ले आया हूँ अभी। हाँ जी, आप किधर है? वो अब उधर सोई है, असलम भाई के घर, मुंशी लेके आ रहा था, कहते इधर उतारो इधर, फिर उधर ही जाकर सो गई। तो अब क्या करना है देखें, पता नहीं तबीयत को, तो मैंने बताया है ना, रात को भी ऐसे थी, सुबह फिर अभी ज़बरदस्ती लेके आया हूँ, जिद कर गई थी बिल्कुल। जैसे आप कहें वैसे करना है जनाब, हम तो बैठे हैं। उधर ले चलते हैं ना, वो अभी कर लेंगे दम। अभी हाँ 12-1 बजे के बाद बात है करेंगे, अभी 12:30 का टाइम है। हाँ जो 12 से 12 बजे के बाद नहीं होती मुलाकात। हाँ जी 12 के टाइम नहीं होती। अच्छा 12 के बाद 2 बजे जाए, 3 बजे तो आज प्रोग्राम बना लेते हैं, चलते हैं। उसको मैंने बोला है डॉक्टर के पास जाना है, फिर आप भी ऐसा ही कहना, खैर चली जाएगी। बेबी का पापड़। और ये मेहमान आया हुआ है अभी, पहुंचे कैसे हो? बढ़िया से, ठीक है जी, अल्लाह पाक करम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। लतीफ भाई कैसे थे? लतीफ भाई यहाँ खानपुर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, 3-4 दिन हो गए वो उधर जैद वालों के पास। हाँ जैद वाले के घर, सही है। आप सुनाए, आप कहाँ हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी। आप कहाँ? आज के बाद में जाना। क्या हो गया जनाब, क्या कहती है? साइकिल पूरी धूप से घुमा घुमा के आ गई है मैडम। ये उधर है ना, इसके पीछे फिर वो हैदर और नूरुद्दीन, सारे बच्चे इसके पीछे पीछे थे जब हम आ रहे थे। चीज लेना, फिर आगे चली गई। आगे नहीं जाया करो, खतरा होता है। चलो उनकी चीज लेकर आओ जल्दी, और आज के बाद मैं ना देखो आपको जाना चाहिए, कोई भी कहे ना मुझे बताना, ठीक है? आगे समझ बेटा, उधर गलियां हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़कें हैं, कोई मोटरसाइकिल लग जाए। हाँ जी, वाहन वाले काम करती हो।
साइकिल पे बेबो और दूसरा कौन था यकूब को उठा के वहाँ पहुँचाने गई थी, कुछ पता नहीं कहाँ है उनके घर। सारा दिन मतलब इनकी आने जाने की बात सारा दिन लगी रहेगी। आपको पता है कि वो कहाँ है? सीधी बैठो, चलो जाओ चीज ले आओ बेबी के लिए। तो ठीक है भाभी, आप भी रेडी हो जाएं, साथ आपने ही चलना है। जरूर, मैंने कभी आपको अकेला छोड़ा है? नहीं नहीं, अकेला तो नहीं छोड़ा, आप साथ तो दे रहे हैं माशाल्लाह।